के षष्ठम स्कंद में नारायण कवच का भी उपदेश किया हुआ है। एक बार इंद्र देव अपने सभा में विराजमान थे, उसी वक्त बृहस्पति जी आ जाते हैं। जैसे गुरुदेव का आगमन हुआ, सब लोग बैठे हुए थे, इंद्र ने उठ करके स्वागत नहीं किया और उनको आया क्रोध। कहने लगे, बेटा तुमने गुरु का अपमान किया है, तुम्हारा श्री जो है धन के अहंकार में तुमने गुरु का अपमान किया, तुम्हारा श्री नष्ट हो जाए। जब देवता लोग परेशान हो जाते थे, धन नष्ट हो जाता था, लक्ष्मी जी चली जाती थी, तो दैत्य लोग आक्रमण करते थे। तो शुक्राचार्य जी ने आक्रमण का प्लान बनाया और सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के शरण में चले जाते हैं। तो तोष्टा पुत्र विश्वरूप जी ने नारायण कवच का उपदेश किया है, बड़ा सुंदर कवच है। श्रीमद् भागवत के षष्ठम स्कंद के अष्टम अध्याय में ये नारायण कवच है, आप लोग भी रोज पाठ किया करिए। ओम हरिर विदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्तांग्रि पद्मापतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चरमासि गदेषु चाप पाशान्दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु। नारायण कवच में भगवान नारायण हमें रक्षा करें, हर जगह में भगवान हमें रक्षा करते हैं, इस चीज का उपदेश दिया गया है। अगर आप हर परिस्थिति में दुख से बचना चाहते हो घर में कोई बीमार ना रहे, तो आप रोज नारायण कवच पाठ करिए, क्योंकि ये भगवान नारायण का कवच है। इस प्रकार उपदेश दिया। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इंद्रदेव को ब्रह्म हत्या लगा और फिर उसके बाद दधीचि नामक ऋषि ने अपने अस्थि प्रदान किया, उसी से एक गदा निर्माण कर लिया और इंद्र जी और एक राक्षस वृत्रासुर नामक राक्षस का युद्ध हो जाता है। बल्लवाचार्य जी ने जो वृत्रासुर ने स्तुति किया, इसको चतुश्लोकी भागवत की संज्ञा दिए। बड़ा सुंदर स्तुति करता है। जब गदा को उठाया तो घुटने के बल नीचे बैठ जाता है राक्षस होकर के भी, उसके मन में भक्ति प्रकट हुआ और सुंदर स्तुति करता है। अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेतासुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय न नाक पृष्ठं न च पारमेष्ठ्यम् न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं न योगसिद्धिर पुनर्भवं वा समञ्जसत्वां विरहय्यकाङ्क्षे। बड़ा सुंदर स्तुति किया, प्रभु मुझे हर हमेशा अपने दास ना सही, अपने दासों का भी दास आप बना दीजिए। मेरे मन में हर पल हर समय आपका स्मरण हो और मेरे बाणी से आप ही का गुणगान हो। जिस प्रकार से एक स्त्री अपने प्रियतम के लिए तड़पती है, उसी प्रकार का तड़पन आप मुझे प्रदान करें, मैं आपके लिए तड़प जाऊं। और जिस प्रकार पंख कटा हुआ पक्षी तड़पता है, वो तड़पन आप मुझे प्रदान करें। बहुत सुंदर श्लोकों में
वृत्रासुर ने स्तुति किया, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने चरण मुझे प्रदान करें, मुझे अपने चरणों से लगा लें हे प्रभु। इस तरह वृत्रासुर ने स्तुति किया।